all the religions of the world. That is Islam, Hinduism, Christianity, Sikh, anyone. They have the same fundamental elements. सारे मजाहिब जो है यही बात सिखाते हैं, इंसानियत, सच्चाई, एकता, इत्तफाक. अभी तक 15 साल हो गया, हमारी कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है. इसीलिए जो है हम कश्मीर से हटना चाहते हैं वापस. नहीं सर, हटने की बात ही नहीं. देखो कश्मीर टू कन्याकुमारी ये एक ही है. जम्मू कश्मीर के लिए अमन के जो जितने भी बुलंदोबाग दावे मरकजी सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन इस वक्त साफ तौर पे आपको नजर आ रहा है. कहीं पे डोगरा चौक में, कहीं प्रेस क्लब में, लेकिन जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में जहां कश्मीरी पंडित जो इस वक्त अपने आप को कश्मीर के अंदर गैर महफूज समझ रहे हैं, इसी तरह से इस वक्त डोगरा एम्प्लॉयज भी जो कश्मीर के अंदर मुलाजमीन हैं वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज अपना धरना दिए हुए अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार के आगे पेश पेश है. आप इतने तादाद में यहाँ पे जो डोगरा एम्प्लॉयज हैं, क्या गैर महफूज समझ रहे हैं आप अपनी ड्यूटियों पे जाने में कश्मीर में? शुक्रिया सर, हमारा इस दर्द को समझने के लिए और इसको महसूस करने के लिए. जैसे कि आप जानते हो कि 4 महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारी एक छोटी सी डिमांड है सरकार की, सरकार के पास, कि हमारे लिए एक सूटेबल कंप्रेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए. अगर चाहे सरकार ने, एलजी साहब ने कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन अभी तक उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हुई है. इसलिए आपके माध्यम से आज फिर एक एलजी साहब को ये निवेदन करते हैं कि जो वादा आपने किया है टाइम बॉन्ड का, मेहरबानी करके उसको निभाइएगा और जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो पब्लिक डोमेन में लाइए. आपकी तनख्वाह का मैटर भी है सर. तनख्वाह जो है बहुत सारे मुलाजमीन की 3-3, 4-4 महीने से बंद है, लेकिन आप जो है हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो हमारा त्यौहार आ रहा है दीपावली 2022, उस पर जो है हमारी तनख्वाहें जो है वो मेहरबानी से बहाल होनी चाहिए. जी, साथ में आपने ट्रांसफ़र की बात की, तो ट्रांसफ़र कहाँ चाहते हैं आप तमाम लोग? सर देखिए देखिए, ट्रांसफ़र तो हमारे ये हकूक है, ये हमारे अधिकार है. 2007 में हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिवीजन रिक्रूटमेंट हुई, लेकिन अभी तक 15 साल हो गया, हमारी कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है. इसीलिए जो है हम कश्मीर से हटना चाहते हैं वापस. नहीं सर, हटने की बात ही नहीं. देखो कश्मीर टू कन्याकुमारी ये एक ही हिंदुस्तान है ना, तो ये नहीं कि चाहे कश्मीर है चाहे जम्मू है, लेकिन हमारे एक सर्विस रूल्स हैं. आप हमारी रिक्रूटमेंट करते हो, एक कमरे में बंद कर देते हो, क्या हमारा अधिकार नहीं कि हमारी ट्रांसफर हो जाए? हमारा अधिकार है ना. इसीलिए जो है 2007 से हम डिमांड कर रहे हैं हर एक सरकार के पास, जो जितनी भी सरकार आई, कि हमारे पास हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बना दी जाए. नहीं बनाई, लेकिन अब जो है बीजेपी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंटर में जो है हुकूमत चला रही है, जम्मू कश्मीर में चला रही है, इनके पास बहुमत है. तो हमें आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, 15 साल कश्मीर में आपने गुजारे हैं, तो कश्मीरी लोगों का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? साथ बहुत अच्छा. आपने, मैं बड़े खुशी के साथ ये बोल रहा हूँ कि ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, whether they are that is Islam, Hinduism, Christianity, Sikh, anyone, they have the same fundamental elements. सारे मजाहिब जो है यही बात सिखाते हैं, इंसानियत, सच्चाई, एकता, इत्तफाक. इंसानियत से हमें रहना, हम भाई भाई है, हम एक दूसरे से भाई 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 का रिश्ता निभाना है. मेरा मैसेज जो है यही है दुनिया वालों के लिए, जनरल और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कि जैसे उधर इंसान रहते हैं वैसे इधर इंसान रहते हैं. लेकिन ये सत्य है कि कुछ सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जी, जो भाईचारों को खराब करते हैं. धन्यवाद हमें, धन्यवाद. नाजरीन इकराम, आपने देख लिया जम्मू किस तरह से इस वक्त नारों की गूंज में, जम्मू के अंदर तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो डोगरा हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, वो अपनी मांगों को लेकर इस वक्त जो हैं सरापा एहतजाज हैं, धरना दिए हुए हैं. आपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को रखिएगा अपनी दुआओं में याद. अल्लाह हाफिज़ आदा. उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहाँ हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वाशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह. तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाजार गूल.